नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको YouTube चैनल प्रमोशन स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं घटांक और करणी का वीडियो नंबर 3 लेकर के आया हूँ, जो कि इस प्रकार है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, है ना। लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, देख लीजिए। अंडर रूट 3 के पावर n इक्वल टू 81, तो n का वैल्यू ज्ञात करना। इस तरह से क्वेश्चन हम आज लेकर के आए हुए हैं। कल दो वीडियो में मैंने इसके पहले जो है ना, उसको हम दे चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं वीडियो नंबर 3 लेकर के हूँ, जो कि इस 3 नंबर वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन है ना। कंडीशन वही रहेगा और फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए। कह रहा है कि अंडर रूट 3 के पावर n इज इक्वल टू 81, n का वैल्यू ज्ञात करना है। इसमें n का वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो आपको याद रहे कि ये रूट का वैल्यू क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ पर रूट का मतलब हम लिख देते हैं क्या, 3 के पावर n के पावर 1/2। रूट का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। इक्वल टू 81, यानी कि 81 का मतलब क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके बदले में 3 के पावर 4, यानी कि 81 को 3 टाइम लिखेंगे, 4 टाइम लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एन में 1 से करेंगे तो एन बटा 2 होगा, यानी कि 3 के पावर 4। अब देखो ना, ये बराबर हो गया तो कंपेयर हम इससे करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो एन बटा 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ कुछ नहीं, 1 है, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, तो इसमें करेंगे तो एन होगा और इसमें करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए जरा ध्यान से। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि 8 के पावर 4 into 2 into 64 के पावर 21.1 into 7 के पावर 8.4 into 56 के पावर कितना है, 3.5, है ना, इक्वल टू 56 के पावर x। तो x का ही वैल्यू ज्ञात करना है ना, x का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर 8 के पावर क्या लिखेंगे 4.2 इंटू, यहाँ पर 8 के पावर 2 के पावर लिखेंगे 2.1, ठीक है, इंटू 7 के पावर 8.4 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 56 के पावर 3.5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 8 के पावर 4.2 लिखा इंटू, यहाँ पर लिखा 8 के पावर 4.2 लिखा, इसमें गुना करेंगे, है ना, इसमें गुना करेंगे 2 से तो 2 कम से 2 लेके 4 हो गया ना, है ना। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा इंटू 7 के पावर 8.4 इंटू 56 के पावर 3.5, ठीक है। अब बराबर में तो ये लिखेंगे ही, सभी जगह बराबर में x लिखेंगे, तो ये क्या है, ये इक्वल है ना, ये और ये इक्वल है ना, नीचे जो है 1 है, 1 जैसा है, तो इसलिए 8 लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 4.2 + 4.2, ठीक है, कितना होगा, इंटू 7 के पावर 8.4 इंटू 56 के पावर 3.5, तो कितना होगा, 8 के पावर कितना होगा, 8.4, 2 2 4 4 4 8 इंटू 7 के पावर 8.4 इंटू 56 के पावर 3.5। अब 8 7 56 होगा ना, 56 होगा और ऊपर 8.4 जो कहते हैं इंटू 56 के पावर 3.5 इजिकल टू 56 के पावर x, ठीक है। अब ये ना गुना में, गुना के मतलब जोड़ होता है, मैंने कल बताया था कि गुना के मतलब जोड़ होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों इक्वल है ना, तो क्या करेंगे, इसमें से 56 निकाल लेंगे और ये जोड़ देंगे, 4 5 9 होता है, 8 और 3 11 होता है, इजकल टू 56 के पावर x होता है, तो इसका कंपेयर इससे कराएंगे तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1 11.9, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज के, इसी पर बनेगा, इसी स्टील पे बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3,
8 के पावर 1.1 इनटू 4 के पावर 2.7 इनटू 2 के पावर 3.3 इसका 2 के पावर x, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिए 2 के पावर 3 के पावर 1.1 इनटू 2 के पावर 2 के पावर लिखे 2.7 इनटू 2 के पावर 3 इनटू 3 3.3 इसका 2 के पावर x, ठीक है। करना कुछ नहीं है गुरु, इसमें गुणा करेंगे तो 2 के पावर 3.3 हो जाएगा इनटू कितना होगा 2 के पावर 5.4 होगा, इसमें गुणा करेंगे तो इनटू 2 के पावर 3.3 इसका 2 के पावर x। क्या करना है, तीनों को जोड़ दीजिए ना, ऊपर वाला नीचे वाला बराबर, तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए 3.2 के पावर 3.3 प्लस 5.4 प्लस 3.3 इसका 2 के पावर x कितना होगा, इसको इसमें जोड़ेंगे इस फिर इसमें जोड़ेंगे कितना होगा 2 के पावर 4 3 7 3 10 के 0 कैरी 1 फिर इसमें इसको जोड़ें 5 3 8 8 3 11 1 12 यहाँ पर पॉइंट होगा इसका 2 के पावर x, तो इसका कंपेयर इससे करेंगे तो x और कितना हो गया 12, ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 16 के पावर 0.1616 इंटू 16 के पावर 0.04 इंटू 2 के पावर 0.2 इसका टू आठ है ना, इसमें करना कुछ नहीं है गुरु, इसको क्या कीजिए दोनों सेम है ना, तो 16 लिख दीजिए और ऊपर वाला क्या है कि जोड़ दीजिए कितना होगा 0.16 0.04 कितना होगा 10 2 0 यहाँ पर हो जाएगा 0.20 है ना, उसके बाद इंटू 2 के पावर 0.2 तो इसको हम ले जाएंगे 2 के पावर 4 के पावर कितना 0.20 20 इंटू 2 के पावर 0.2 ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.20 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ठीक है, तो 2 के पावर 0.80 होगा इंटू 2 के पावर 0.2 होगा है ना, तो क्या होगा कि दोनों में से एक दो निकाल देंगे यहाँ पर 0.80 प्लस 0.2 कितना होगा जोड़ेंगे तो 0.8 0.2 0.2 इतना हो जाएगा कि इसका वैल्यू हो जाएगा 2 के पावर 1 है ना, 2 के पावर 1 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बिल्कुल देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर इक्वल टू का फिगर है, सिंबल है इक्वल टू का, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम 5 नंबर नोट करते हैं। 9 के पावर 8.6 इंटू 8 के पावर 3.9 इंटू 72 के पावर 4.4 इंटू 9 के पावर 3.9 इंटू 8 के पावर 8.6 ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि ये चीज एक जगह करेंगे और इसको इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है। 9.8.6 इंटू 9.3.9 इंटू 8 के पावर 3.9 इंटू 8 के पावर 8.6 ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि ये दोनों है ना एक जैसा कंपेयर करेंगे इसको, तो 9 यहाँ नोट कर देंगे इसको 9 6 15 5 7 1 8 3 11 1 12 यहाँ पर पॉइंट हो गया इंटू ये एक जैसा है तो यहाँ पर लिखेंगे है ना, लिखने के बाद यहाँ पर क्या होगा 9 6 15 5 7 1 8 3 11 1 12 ठीक है। इक्वल टू कितना होगा इंटू 72 के पावर 4.4 ठीक है, तो 9 8
गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 × 72 = 12.5 × 72 = 4.4 ठीक है, इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर 72 × 1, एक्स का कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर 72 × 1 है ना, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर इसमें से दोनों में से 72 नोट कर देंगे, 5 × 9 = 12, ये हो गया यानी कि 72 × 1, तो इसका कंपेयर इसे कराएंगे तो कितना होगा x² = 16.9, ये आपका आंसर आ गया ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर मंगा सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है इसको देखते हैं ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जैसा कि 1000 है ना, तो 1000 को 10³ लिख सकते हैं, अब पावर में 9 है ये है, डिवाइड 10²² = 8, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, नतीजा 27 / 10²² ठीक है। तो दोनों एक जैसा है ना, दोनों एक जैसा है, इसको इसको क्या करेंगे इसमें से एक निकाल लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 27 - 24 = कितना होगा 10² कितना होगा 3, यही आंसर आपका होगा ठीक है। या फिर यहाँ पर 1000 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम है ना। इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप आराम से हल कर सकते हैं, आसानी तरीके से हल कर सकते हैं, बट इसका फॉर्मूला जो है जो फर्स्ट वीडियो में दिए हैं उसको याद करना पड़ेगा है ना। अगले वीडियो में इसे भी ढाकर क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।